14 अगस्त 2005 को हेलियोस एयरवेज की फ्लाइट 522 ने साइप्रस के लर्नाका से टेक ऑफ करके ग्रीस यूनान एथेंस की उड़ान भरी। उड़ान को सिर्फ 5 ही मिनट बीते थे कि हेलियोस फ्लाइट संख्या 522 के केबिन से पायलट्स ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल कमांड स्टेशन से संपर्क किया। फ्लाइट अभी सिर्फ 12,040 फीट की ऊंचाई पर थी। ऐसे में फ्लाइट 522 के केबिन क्रू की तरफ से एटीसी को आए कॉल ने खुद एयर ट्रैफिक कमांड स्टेशन में एक सिहरन फैला दी। आमतौर पर सिर्फ 5 मिनट पहले उड़ान पर निकले विमान का एटीसी से संपर्क साधना किसी इमरजेंसी की तरफ इशारा कर रहा था। ये सुबह के 9:12 का वक्त था। दरअसल फ्लाइट क्रू को अचानक ही इस ऊंचाई पर फ्लाइट टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन अलार्म केबिन में सुनाई देने लगा। फ्लाइट को उड़ा रहे अनुभवी पायलट हैंस जर्गन मर्टन को भी एक बार की समझ नहीं आया कि आखिर फ्लाइट टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन अलार्म क्यों बजने लगा है। को पायलट पैम पोस्टालम और फ्लाइट कैप्टन हैंस जर्गन मर्टन ने तुरंत एटीसी से संपर्क किया, क्योंकि ये एक अजीब तरह का एरर अलार्म था जो इतनी ऊंचाई पर नहीं बज सकता था। दरअसल टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन अलार्म एक सुरक्षा उपकरण है जिसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करने में मदद करना है कि अनुचित या असुरक्षित कॉन्फ़िगरेशन में विमान के साथ टेक ऑफ का प्रयास तो नहीं किया गया है। 1970 के बाद के विमानों के लिए आवश्यक है कि एक टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन चेतावनी प्रणाली सभी जेट विमानों और गैर जेट विमानों में जिनका वजन 6,000 पाउंड यानी 2,725 किलोग्राम से अधिक या आसपास हो उनमें अधिकतम टेक ऑफ वजन के साथ फिट की जाए। ये अलार्म रनवे पर खड़े विमान के लिए ये जांच करता है कि उड़ान से पहले सब ठीक ठाक है और अगर नहीं तो ये बज उठेगा। लेकिन 12,040 फीट की ऊंचाई पर बजने के कारण पायलट्स के लिए अजीब और डरावनी बात थी। चालक दल के सदस्यों सहित कुल 121 यात्री 12,000 फीट की ऊंचाई पर थे, जिसमें साइप्रस के 103 यात्री और 4 क्रू मेंबर्स, जर्मनी के पायलट हैंस जर्गन, यूनान के 12 यात्री और 6 क्रू मेंबर्स शामिल थे। फ्लाइट कैप्टन हैंस जर्गन और को पायलट पैम पोस्टालम ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को बताया कि केबिन में उन्हें टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन की वार्निंग मिल रही है। एटीसी को वो पूरी बात बता पाते उससे पहले ही हवाई जहाज के कॉकपिट में और भी अलार्म बजने लगे, जिसमें एटीसी को पायलट्स की बातें ढंग से सुनाई देना बंद हो गई। पीछे बैठे यात्री और क्रू मेंबर्स इस बात से अनजान थे कि कॉकपिट में क्या हो रहा है। अब पायलट्स के सामने कॉकपिट कंट्रोल पैनल पर लगा मास्टर कोशन बजर भी बजने लगा, जिसका सीधा मतलब था कि फ्लाइट 522 के कई सिस्टम अत्यधिक गर्मी और दबाव की स्थिति में थे। पायलट ने एयरक्राफ्ट लॉग बुक को जांचा, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। अभी पायलट्स माजरा समझने की कोशिश कर ही रहे थे कि विमान में अचानक दबाव बढ़ने लगा और पीछे बैठे यात्रियों को सांस लेने में दिक्कत आने लगी। कुछ ही सेकंड्स में इमरजेंसी ऑक्सीजन कप्स यात्रियों के लिए अपने आप ही नीचे आ गिरे, जिसका सीधा मतलब था विमान में ऑक्सीजन कम हो गई है। जब भी किसी विमान में 14,000 फीट या उससे अधिक ऊंचाई पर केबिन प्रेशर खत्म हो जाता है, तब ऑक्सीजन मास सीलिंग से नीचे गिरता है। जेट विमानों में ऑक्सीजन कप्स के अंदर जनरेटर 4 सीटों के लिए 12 मिनट तक हवा की सप्लाई कर सकता है, लेकिन अभी विमान 18,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया था, जबकि ऐसा बहुत ही कम होता है कि इतनी ऊंचाई पर अचानक बड़े दबाव से ऑक्सीजन कप्स खुल जाएं, क्योंकि बाहर की हवा को फ्लाइट के टर्बाइन अंदर पहुंचाते हैं, पर यह हवा गर्म होती है जिसे वातानुकूलित करके विमान में पहुँचाया जाता है। ऑक्सीजन मास्क खुलने से यात्री भी घबरा गए थे। इधर दूसरी तरफ एयर ट्रैफिक कंट्रोल से भी फ्लाइट 522 का संपर्क टूट गया। एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क टूटने के साथ ही तय दिशा निर्देश के अनुसार 2 लड़ाकू विमानों को अलर्ट जारी कर दिया गया। प्लेन की हवा में ऊंचाई अब और ज़्यादा बढ़ गई थी। एयर ट्रैफिक कंट्रोल कमांड स्टेशन ने लगातार फ्लाइट 522 से संपर्क साधने की कोशिश की, पर हर कोशिश नाकाम रही।
विमान को साइप्रस से एथेंस की दूरी 1 घंटे 45 मिनट में पूरी कर लेनी चाहिए थी और विमान अब एटीसी की पहुंच से बाहर हो गया था। अब सुबह के करीब 9:34 हुए थे कि विमान अचानक एथेंस की हवाई सीमा में रडार पर देख लिया गया। इसका मतलब ये था कि विमान अब भी सुरक्षित है। एथेंस के एयर ट्रैफिक कंट्रोल को सूचना मिल चुकी थी कि फ्लाइट 522 के साथ कुछ गड़बड़ हुई है। उन्होंने फ्लाइट से मैनुअल रेडियो सिस्टम से संपर्क साधने की कोशिश की पर वहां से कोई जवाब नहीं आया। 10:45 हो चुके थे और ये फ्लाइट के एथेंस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने का निर्धारित समय था, लेकिन अब तक विमान एथेंस एयरपोर्ट पर नहीं उतरा। साइप्रस से हेलियोस फ्लाइट 522 बहुत दूर 1271 किलोमीटर जा चुकी थी, तो ऐसे में साइप्रस की ओर से अलर्ट मोड पर डाले गए फाइटर जेट्स को अबॉर्ट किया गया। और दूसरी तरफ ग्रीस एथेंस के 2 सबसे शक्तिशाली F-16 फाइटर जेट्स को विमान के पीछे भेजा गया, क्योंकि फ्लाइट 522 अभी एथेंस की एयरफील्ड में दिखाई दी थी। कुछ ही देर में दोनों F-16 फाइटर जेट्स ने हेलियोस 522 हवाई जहाज को खोज लिया। फाइटर जेट्स ने बगल में उड़ते हुए हेलियोस फ्लाइट 522 के क्रू से संपर्क साधने की कोशिश की पर कोई जवाब नहीं आया। ऐसे में फाइटर पायलट अपने जेट को बिल्कुल हेलियोस 522 के विंग के ऊपर से कॉकपिट के करीब ले गया। अंदर का नज़ारा देखकर फाइटर पायलट भी अचंभित था। उसने देखा कि कॉकपिट में कैप्टन बेहोश है और कोई व्यक्ति विमान को संभालने की कोशिश कर रहा है। फाइटर पायलट ने अनहोनी की आशंका में उस व्यक्ति के लिए केबिन से संपर्क साधने की कोशिश की ताकि वो उसे चेतावनी दे सके, पर उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। जेट को पीछे फ्लाइट के विंग के ऊपर के बिल्कुल करीब ले जाकर जेट पायलट ने देखा कि सभी यात्री अपनी सीटों पर ऑक्सीजन मास्क लगाए बेसुध पड़े हैं। ये 11:45 का समय था। अब विमान अपने बचे हुए ईंधन के साथ आगे की तरफ उड़ान भरता हुआ चला जा रहा था। दूसरे F-16 में उड़ रहे फाइटर पायलट ने उस शख्स की तरफ इशारा किया जो विमान उड़ाने की कोशिश कर रहा था, जिसके जवाब में वो शख्स भी कॉकपिट से इशारे कर रहा था, पर कुछ भी समझ नहीं आया। ये घटनाक्रम चल ही रहा था कि विमान के लेफ्ट प्रोपेलर से तेज धुआं निकला और विमान हवा में अनियंत्रित होते हुए एक तरफ झुक गया। फाइटर जेट्स को भी विमान से दूरी बनानी पड़ी, वरना इतना करीब होने पर वो उसके असंतुलित होने से उसी से टकरा सकते थे। एक इंजन पर तिरछे उड़ रहे इस यात्री विमान में सिर्फ एक आदमी बेसुध नहीं था जो अब भी इसे संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अचानक दूसरा इंजन भी रुक गया। विमान अब तेजी से धरती के गुरुत्वाकर्षण के हवाले था। कोई गुंजाइश नहीं थी कि विमान की डेड स्टिक लैंडिंग भी करवाई जा सके, क्योंकि फ्लाइट 522 अब पहाड़ों के ऊपर थी। डेड स्टिक लैंडिंग दोनों इंजन के फेल होने की सूरत में की जाती है और ये पूरी तरह भाग्य के भरोसे होती है। कोई चांस नहीं था। ऐसे में फाइटर पायलट्स के सामने ही प्लेन 522 अपने सभी यात्रियों को लेकर एथेंस से तकरीबन 40 किलोमीटर आगे ग्रेमिटो पर्वतमाला से टकराया और इसमें मौजूद सभी लोग मारे गए। मायूस फाइटर जेट्स ने एटीसी को भरे मन से बताया कि फ्लाइट 522 उनकी आंखों के सामने क्रैश हो गई है। बड़े स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च किया गया पर एक भी व्यक्ति इस हादसे में जिंदा नहीं मिला। बाद में फ्लाइट क्रैश इन्वेस्टिगेशन और यात्रियों के पोस्टमार्टम से ये बात पता चली कि विमान के क्रैश होने से काफ़ी समय पहले ही सारे लोग जो विमान में थे वो मारे जा चुके थे। इस विमान में सिर्फ एक व्यक्ति अंत तक जिंदा थे जो फ्लाइट लेफ्टिनेंट एंड्रॉइज पॉड्रोमो थे और अपनी स्क्यूबा डाइविंग की प्रैक्टिस के चलते वो ऑक्सीजन की कमी के बावजूद जिंदा थे। उन्हें समुद्र में गोता लगाकर स्क्यूबा डाइविंग का शौक था और इसके दौरान वो सांस को लंबे समय तक रोक पाने में सक्षम थे। उन्होंने ही बाद में इस प्लेन की कमान संभाली थी पर वो अब इसे बचा नहीं पाए। एंड्रियास ने अंत तक एटीसी से मेडे मेडे बोलकर कई बार संपर्क साधने की कोशिश की। मेडे एक आपातकालीन शब्द है जिसका उपयोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रेडियो संचार में एक संकट के वक्त किया जाता है।
इसके अलावा हेलियोस ZU-522 के कॉकपिट, वॉइस रिकॉर्डर और ब्लैक बॉक्स से एंड्रियोस के लगातार वोइथिया शब्द चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, जिसका हिंदी में मतलब है मदद। विमान जब 7000 फीट की ऊंचाई पर आ गया तब एंड्रियोस ने वापस फ्लाइट को ऊपर उठाने की कोशिश की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। इतने बड़े हादसे को टाला जा सकता था, लेकिन आखिर इसकी क्या वजह रही ये अब तक इन्वेस्टिगेटर्स को समझ नहीं आ रहा था। बाद में इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक एक्सपर्ट ने इस बात पर ध्यान दिया कि विमान में एयर प्रेशर बटन जो कि मैनुअल मोड पर सेट था, जबकि उसे ऑटोमेटिक मोड पर सेट होना चाहिए था, लेकिन किसी भी पायलट का ध्यान इस पर नहीं गया। अगर इस बटन को घुमाकर ऑटोमेटिक मोड पर कर दिया गया होता तो ये हादसा होता ही नहीं। इस बटन का इस्तेमाल विमान में लगे टरबाइन बाहर की हवा को धीरे धीरे अंदर भेजने के लिए करते हैं। हालांकि टरबाइन से खींची गई हवा गर्म होती है, पर इसे अत्याधुनिक तकनीक से ठंडी करके विमान के अंदर भेजा जाता है, जिससे हवाई जहाज में ऑक्सीजन की कमी नहीं होती। लेकिन ये विमान एक दिन पहले ही लंदन की उड़ान पर था। वहां से साइप्रस आने के बाद मेंटेनेंस इंजीनियर्स ने विमान की तकनीकी जाँच के दौरान इसे ऑटो से मैनुअल मोड पर गलती से डाल दिया था और वापस उसे ऑटोमेटिक मोड में डालना भूल गए थे। उड़ान के दौरान सिर्फ इसी बटन पर किसी भी पायलट का ध्यान नहीं गया। इस बटन पर ध्यान नहीं देने से केबिन प्रेशर जरूरत के अनुसार नियंत्रित नहीं रह पाया और यात्रियों को हाइपोक्सिया यानी ऑक्सीजन की कमी की समस्या हो गई, जिसकी वजह से उनका दम घुट गया। साथ ही केबिन प्रेशर कम होने के कारण ब्लड के फ्लो में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ गई, जिससे उन्हें जोड़ों में उस वक्त तेज दर्द हुआ होगा। साथ ही उन्हें लकवा हुआ होगा और बाद में यही वजह 121 लोगों की मौत का कारण भी बनी। आखिर एक बटन की वजह से दुनिया भर में इस हादसे की चर्चा हुई और लोगों ने इस हादसे में दिवंगत सभी लोगों के लिए शोक प्रकट किया। कैसे लगते हैं हमारे किस्से, कहानियां और फैक्ट्स आपको? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं।